ओके सो कल का होमवर्क मैंने आपको करवाया था कुछ इस तरीके से, एक बार क्विकली वील गो थ्रू इट, एक बार क्विकली लेजर, लेजर में हमने अब तक ये सारे पार्ट्स अब तक देखे हुए हैं, ठीक है। अब तक हमारा पार्ट वन में अकाउंट्स में हमने ये सब देखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट अकाउंटिंग साइकिल देखी, जर्नल पहली बुक होती है तो सारे एंट्रीज पहले जर्नल में रिकॉर्ड होते हैं, इस प्रोसेस को हम जर्नलाइजिंग कहते हैं। फिर वो बाद में जाके लेजर में जाते हैं, तो पहले ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द ओरिजिनल एंड प्राइमरी बुक एंड देन इट इज बीन मूव टू द अकाउंट लेजर्स। फिर हम देखें कि पोस्टिंग कैसे होती है, तो हमने देखा कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश के डेबिट साइड में लिखेंगे हम टू कैपिटल और कैपिटल के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय कैश, ओके। वैसे ही हमने ऐसे बहुत सारे एंट्रीज देखे, फाइन डिटेल में देखे थे हमने। फिर हमने देखा कि ये सारा होने के बाद हमारा नरेशन क्या करते हैं, नरेशन में बेचारा अनुराग बहुत परेशान था, सर नरेशन भी लिखना पड़ेगा क्या? नहीं, फिर मैंने उसको खुश कर दिया कह के कि जर्नल में हम नरेशन लिखते हैं, लेजर में नहीं, ठीक है। फिर हमारी तन्वी बोली, बोला इतना सिंपल है सर? हाँ सर इतना सिंपल है, लेकिन यहाँ पे दो और स्टेप्स भी है, कास्टिंग एंड बैलेंसिंग। तो वो उछल गई, बोला कास्टिंग भी हमको मालूम है, मतलब टोटलिंग, डेबिट और क्रेडिट की टोटल को हम कास्टिंग कहते हैं, लेकिन बैलेंसिंग क्या होता है? बैलेंसिंग हम तभी करेंगे व्हेन डेबिट इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट। तो हमने बैलेंसिंग के देखा कि जहां डेबिट साइड हैवी है क्रेडिट कम है तो हम उसमें अमाउंट डाल देते हैं, ठीक है। तो फिर बाद में हमने देखा और एक स्टेप जिसमें हम ब्रॉड डाउन करते हैं बैलेंसिंग, ये हमारा लास्ट स्टेप होता है ब्रॉड डाउन करने का। फिर हमने उसके ऊपर थोड़े बहुत सम्स किए, दो सम्स मैंने आपको यहाँ पे करवाए थे, ओके। और उसके बाद फिर हमने एनालाइज किया ये देख के कि मशीनरी और कैश अकाउंट को डेबिट बैलेंस होता है तो और कैपिटल को क्रेडिट बैलेंस होता है। जब हमने इन चीजों को कंसोलिडेट किया तो हमको पता चला सारे लेजर के डेबिट बैलेंस विल फाइनली रिजल्ट इन द सारे क्रेडिट बैलेंस की टोटल। सो डेबिट बैलेंस विल ऑलवेज बी इक्वल टू द क्रेडिट बैलेंस, हेंस दिस इज कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टम। तो अभी मीनिंग ऑफ लेजर क्या है? लेजर इज अ बाउंड बुक इन विच ऑल अकाउंट्स आर मेंटेन। ये एक बुक होती है जिसमें हम सारे अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। इट इज बीन रिकॉर्डेड फ्रॉम जर्नल एंड सब्सिडरी बुक्स ओनली। सब्सिडरी बुक्स क्या होता है ये मैंने अभी तक आपको सिखाया नहीं है, नेक्स्ट चैप्टर में आपको समझेगा। देयर इज नो डायरेक्ट रिकॉर्डिंग इन लेजर, सो लेजर इज सेकेंडरी बुक ऑफ अकाउंट्स। इट प्रोवाइड समराइज रिकॉर्ड ऑफ वेरियस अकाउंट्स एट वन प्लेस। सारे के सारे अकाउंट्स एक जगह पे किए जाते हैं। एन अकाउंट इन अ लेजर इज कॉल्ड अ लेजर अकाउंट। व्हाई लेजर? व्हाट इज द नीड ऑफ हैविंग लेजर? लेजर क्यों होना चाहिए? मैनेजमेंट को काफी बार है ना अकाउंट्स के डिटेल्स चाहिए रहते हैं। ए बता तो मेरे सारे एसेट्स कितने, अरे बता तो मेरे मशीनरी कितनी है, अरे बता तो मैंने टेलीफोन एक्सपेंसेस कितना किया पूरा साल, अरे बता तो मेरा पोस्टेज कितना हुआ है पूरा साल भर का खर्चा, अरे बता तो मेरा कोरियर का कितना खर्चा हुआ है, अरे बता तो मेरा ट्रैवलिंग का कितना खर्चा हुआ है, अरे बता तो मेरा है ना इलेक्ट्रिसिटी बिल का कितना खर्चा हुआ। तो वो क्या करेगा? जर्नल में से कैलकुलेट नहीं करेगा और जर्नल में से एक एक करके कैलकुलेट करेगा, वो लेजर खोलेगा। बोला अच्छा आपको कौन सा चाहिए? मशीनरी का बैलेंस। रुको रुको बता देता हूँ। मशीनरी का अकाउंट खोलेगा, आपके पास 5 लाख की मशीनरी पड़ी है। ट्रैवलिंग का चाहिए आपको, अच्छा ठीक है, साल भर में आपने ट्रैवलिंग का 50,000 रुपए खर्चा किया। अच्छा तुमको क्या चाहिए? टेलीफोन का, तो मैं टेलीफोन का बिल देता हूँ। इन शॉर्ट मेरे को सारी इन्फॉर्मेशन फटक से मिल सकती है, क्यों? क्योंकि मैं सारा समरी बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। डिसीजन मेकिंग इन अ बिजनेस इज बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फ्रॉम लेजर। हम लेजर में जो भी इन्फॉर्मेशन है उसके बेसिस पे डिसीजन फटाक से ले सकते हैं हम। प्रिपेरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट इज बेस्ड ऑन लेजर। इट इज अ मेन पार्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। ये क्या होता है ये आगे आपको समझेगा, फाइन। लेजर में कंटेंट क्या होता है? और अ लेजर इज मेंटेन इन अ बाउंड बुक फॉर्म, एक बुक के फॉर्म में होता है जिसमें अलग अलग खतौनी की जाती है, ठीक है, अलग अलग खाते बनाए जाते हैं। इट कंटेन्स मेनी पेजेस। Each page is maintained for one particular head of account. Each page is called a folio. All pages are serially numbered. Page number of that account in ledger is called ledger folio. A list of ledger accounts is given on the first page of the ledger, which is called an index. जैसे आप कोई भी बुक बनाते हो तो इंडेक्स होता है, वैसे ही लेजर में एक इंडेक्स होता है जिसमें सारे खाते के नंबर दिए जाते हैं वहां पे। ये इसका खाता कौन से पेज नंबर पे, ये खाता कौन से पेज नंबर पे है और कितने खाते हैं उस बुक में। इंडेक्स इज मेंटेन अल्फाबेटिकली। इंडेक्स जो है अल्फाबेटिकली मेंटेन किया जाता है ताकि आपको आसानी हो जाए रिट्रीव करना। अ पेज नंबर ऑफ ईच अकाउंट इन लेजर इज रिटन अगेंस्ट दैट अकाउंट इन इंडेक्स। इट हेल्प्स टू फाइंड आउट एनी अकाउंट इन द लेजर, ठीक है। तो हमने कल ये सम देखा 27 का और 28 का भी सम देखा आपके सामने। अब 29 का जो सम है वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ क्या था ये, आपके दो होमवर्क जो मैंने दिए थे। अब सुनो ध्यान से, 29, 30 और 31 में फर्क है।
किस बच्चों ने मुझे विशाखा ने मैसेज किया, या किसी ने तो मैसेज किया है मुझे कि सर क्वेश्चन नंबर 30 एंड क्वेश्चन नंबर 31 सेम है, क्या आपको सच में सेम लग रहे हैं, क्या इसमें छोटा सा बहुत छोटा सा फर्क है, बताओ मुझे चैट में, क्या सच में सेम लग रहे हैं, क्या कितना छोटा सा, एक आपको बिल्कुल सेम लग रहे हैं? नहीं बच्चा लोग, यहाँ पे एक ही फर्क है, और वो फर्क है बच्चा लोग ये देखो, यहाँ पे एक वर्ड है इंट्रा और इंटर, इसके वजह से ये चेंज दिख रहा है। अभी आपको समझ में आ रहा है क्यों फर्क है? इंट्रा मतलब जब आप कोई भी चीज या खरीदी एक ही स्टेट के अंदर करते हो, मतलब मेरा बायर और सेलर दोनों महाराष्ट्र के अंदर है, तो उसको बोला जाता है इंट्रा स्टेट परचेज। मैं अगर दिल्ली में मटेरियल भेज रहा हूं या दिल्ली से खरीद रहा हूं, तो दो अलग अलग स्टेट में खरीदी हो रही है, दो अलग अलग स्टेट में व्यवहार हो रहा है, तो उसको बोला जाता है इंटर स्टेट। तो इंट्रा स्टेट अगर रहा तो कौन सा जीएसटी लगेगा बोलो चैट में, इंट्रा स्टेट अगर रहा तो कौन सा जीएसटी लगेगा बोलो जल्दी, सीजीएसटी लगेगा और एसजीएसटी भी लगेगा, सीजीएसटी भी लगेगा और एसजीएसटी भी लगेगा। लेकिन अगर इंटर स्टेट है तो कौन सा जीएसटी लगेगा, इंटर स्टेट है तो कौन सा जीएसटी लगेगा, सिर्फ आईजीएसटी लगेगा बच्चा लोग, सिर्फ आईजीएसटी लगेगा। समझा आपको एवरीवन द मेन डिफरेंस बिटवीन दीज टू क्वेश्चंस? पहले बात आपको समझा, प्लीज रेज योर हैंड्स, एवरीवन अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड, पहले ये समझा के एटलीस्ट क्वेश्चन समझा आपको। अब मैं आपको इसकी लेजर पोस्टिंग दिखा देता हूँ, फटाक से दिखा देता हूँ, ठीक है, फटाक से इसकी लेजर पोस्टिंग दिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है, थैंक यू सो मच। डिस्कार्ड करके मैं ये सेम चीज है ना कॉपी पेस्ट कर देता हूँ बाजू में, एक्सेल के बाजू में कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, और आपको है ना मैं इसका आंसर दिखा देता हूँ, ठीक है। 29, 30 और 31 के मैं आंसर्स आपके सामने लाइव बना रहा हूँ, लाइव, ठीक है, आप अपने आंसर चेक कर सकते हो, ओके। और जिनको नहीं आया है तो उनके लिए वापस एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी, लेकिन आना चाहिए था बच्चा लोग, आना चाहिए था, बहुत सिंपल था ये, ठीक है, हम थोड़े टफ चीज सब टफ क्वेश्चंस की ओर बढ़ने वाले हैं, तो ये तो आना चाहिए था, बट स्टिल आप एक बार चेक कर लो, ठीक है, ये चेक कर लो, मैं आपके सामने यहाँ पे बना रहा हूँ मैं, ठीक है, आपके सामने मैं इसको बना रहा हूँ, ओके, मैं इसी को ही यहाँ पे बाजू में कर देता हूँ, ये है अपना, एक मिनट, होल्ड ऑन बच्चा लोग, होल्ड ऑन, मुझे मालूम है, मुझे ये भी आपको भेजना है शीट, मुझे मालूम है, मैं भेजूंगा, एक मिनट, मुझे बस ये कंप्लीट करने दो, एक सेकंड, ओके, ये क्वेश्चन आपके सामने, यस, आपके सामने मैं अभी अभी आपको ये तीनों सम्स कंप्लीट करवाता हूं, ठीक है, ध्यान से देखो, पहले क्वेश्चन नंबर 29 करवा रहा हूं मैं, थोड़ा इंटरनेट अनस्टेबल हो गया था, आई नो फोन आ गया था मुझे, इसीलिए इट्स ओके डन, ठीक है, नाउ इट इज फाइन एवरीवन, आई नो थोड़ा अटका था, मुझे मालूम था, मैडम आई एम इन माय लेक्चर, ठीक है, ओके, तो हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ऊपर 29 कर रहे हैं, ठीक है, 29 मैं आपको करवा रहा हूँ पहले, 29, ठीक है, होल्ड ऑन, क्वेश्चन नंबर 29 करवा रहा हूँ मैं, ओके, यस सर, आप अटक गया है सर, नेटवर्क इश्यू हो रहा है, वॉइस इज ब्रेकिंग लॉट, ठीक है, अभी ओके है, नहीं तो आप लॉग ज्वाइन लीव करके वापस ज्वाइन हो जाओ, आई एम वेटिंग, लीव करके वापस ज्वाइन हो जाओ, आई एम वेटिंग, अभी ओके है, इट्स ओके नाउ, ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन, ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं मैं, ठीक है, पोस्टिंग ऑफ कंबाइंड एंट्री, पहला जनवरी 2018 को मैंने रेंट पे किया, सैलरी पे किया, देखा जाए मनी मन मेरे पास एंट्री हो जाती है, रेंट अकाउंट डेबिट 3000, सैलरीज अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश अकाउंट, तो मैं आपके बाजू में यहाँ पे एंट्री कर देता हूँ, रेंट अकाउंट डेबिट 3,000, फिर उसके बाद सैलरीज अकाउंट डेबिट
सैलरीज अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश अकाउंट 10,000, तो ये आपकी जर्नल एंट्री होती है। ये जर्नल एंट्री अभी आपको मनी मन आनी चाहिए। अगर मनी मन नहीं आ रही तो मतलब आपका यहीं पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो मेरे को यहाँ पे सिर्फ तीन अकाउंट बनाने हैं बच्चा लोग, सिर्फ तीन अकाउंट बनाने हैं। और वो तीन अकाउंट क्या बनाऊंगा मैं, इतना सिंपल है, हमको बस तीन ही अकाउंट बनाने हैं। और वो बनाना है मुझे कैश अकाउंट, छोटा सा एक सैलरीज अकाउंट, और छोटा सा अपने को एक, छोटा सा एक अपने को है ना रेंट अकाउंट बनाना है, और कुछ नहीं। सैलरीज, रेंट और कैश अकाउंट बनाना है मुझे, सैलरीज, रेंट और कैश अकाउंट, जो आपके स्क्रीन पे ये रहा। फाइन, तो एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करवा रहा हूँ, ठीक है। सैलरीज अकाउंट, कैश अकाउंट और रेंट अकाउंट बनाना है बस मुझे, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये यहाँ पे रेंट अकाउंट बनाऊंगा मैं एक छोटा सा, और मैं यहाँ पे ही और एक अकाउंट बना लूंगा, और वो है मेरा सैलरीज अकाउंट। एक बार देख लो पहले, फिर देखना सब कुछ, पहले देख लो एक बार, जिन्होंने होमवर्क किया हुआ है जरा देख लो। बस ये तीन ही अकाउंट बनाने हैं मुझे, और कोई अकाउंट नहीं बनाना है। तो मैं यहाँ पे इसको हाइड कर देता हूँ, एक मिनट, डिलीट कर देता हूँ। ये तीन अकाउंट बनाने हैं, ध्यान से देखो एवरीवन, एवरीवन जस्ट ध्यान से देखो वापस एक बार। कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा, रेंट अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। डेट लिखना है आपको 18 जनवरी 2018, टू कैश अकाउंट लिखना है यहाँ पे, टू कैश अकाउंट लिखना है कितना, रेंट का कितना है बच्चा लोग, 3,000 रेंट का है, तो अपने को बस उतना ही एक इफेक्ट करना है। सिमिलरली आपको बोला गया है सैलरीज भी पे की गई है, 18/1/2018 को आपका आएगा टू कैश अकाउंट, कितना आएगा 10,000 रुपए, सैलरीज का 10,000 खर्चा, रेंट का 3,000 खर्चा, एंड फाइनली मेरे पास क्या आएगा यहाँ पे कैश अकाउंट में बताओ, कैश अकाउंट में 18/1/2018 को दिखेगा बाय रेंट अकाउंट एंड बाय सैलरीज अकाउंट, बाय रेंट अकाउंट एंड बाय सैलरीज अकाउंट। रेंट में जाएगा बच्चा लोग 3,000, सैलरीज में जाएगा 10,000। ये हमारी हो गई पोस्टिंग, यस बच्चा लोग, ये हमारी हो गई पोस्टिंग। पोस्टिंग के बाद क्या करते हैं हम, बोलो, पोस्टिंग के बाद अभी हम क्या करेंगे बोलो, कास्टिंग एंड बैलेंसिंग। कास्टिंग एंड बैलेंसिंग में पहले देखते हैं कौन सा पर्डा भारी है। कैश में देखेंगे, कैश का क्रेडिट साइड हैवी है, तो हम क्रेडिट का टोटल लिखेंगे यहाँ पे और सेम टोटल यहाँ पे भी लिखेंगे। अब बताओ मैं क्या करूंगा कैश अकाउंट में, टू बैलेंस कैरी डाउन क्या बाय बैलेंस कैरी डाउन, चैट में जवाब दो मुझे। कैश में क्या लिखूंगा मैं, टू बैलेंस कैरी डाउन क्या बाय बैलेंस कैरी डाउन, जल्दी बताओ मुझे, टू बैलेंस कैरी डाउन, बाय नहीं बेटा, विशा का क्रेडिट ऑलरेडी हैवी है बेटा, कैरी डाउन पूछा विशा का, ब्रॉड डाउन नहीं पूछा मैंने। क्रेडिट आपका वजन देखो ना, वजन यहाँ पे वजन है, यहाँ पे वजन ही नहीं है, इक्वल करने के लिए कहाँ पे वजन डालोगे, लेफ्ट में क्या राइट में। विशाखा क्रेडिट में 13,000 का वजन है, डेबिट में कितने का वजन डालोगे आप, 13,000 का वजन डालोगे बच्चा लोग। ये है जनवरी 18, तो आप क्लोज करोगे 31 जनवरी को, क्लोज करोगे 31 जनवरी को टू बैलेंस कैरी डाउन 13,000, और इसको क्लोज करने के बाद अगले दिन मतलब 1 फरवरी को, अगले दिन 1 फरवरी को आप इसको दिखाओगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। मैं यहाँ पे सभी को अलग कलर कर देता हूँ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के लिए, ताकि आप समझ पाओगे। टू बैलेंस कैरी डाउन जहां लिखते हैं उसके विपरीत साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हैं, देखो ध्यान से, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसके बाद आपको एक लाइन और छोड़नी है, छोड़ सकते हो, आपको अगर एक लाइन और छोड़नी है छोड़ सकते हो, आई एम फाइन विथ इट, ओके। यहाँ पे आपको अगर एक लाइन छोड़नी है छोड़ सकते हो, ताकि आपको रियलाइज होगा कि ये हमारा ऊपर का अकाउंट क्लोज हुआ, ये नीचे का अकाउंट हमारा ये है, फाइन। तो ये आपको मैं करवा के देता हूँ, टेंशन मत लो, ठीक है। सभी अभी को समझ में आया, ये आपका पहला अकाउंट है इतना बड़ा, ये आपका पहला अकाउंट है जो मैंने आपको करवाया, ये आपका दूसरा अकाउंट है, तो आपको मैं अच्छे से कलर करवा रहा हूँ, अच्छे से बाइफरकेट भी करवा रहा हूँ, तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ये आपका पहला, दूसरा, तीसरा अकाउंट हो गया, ठीक है। इसके बीच में भी अगर आपको कुछ ज्यादा तकलीफ हो रही है तो एक मिनट रुको, मैं आपको उसका भी सॉल्यूशन दे देता हूँ, मैं उसका भी सॉल्यूशन कर देता हूँ, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन। आपको हर एक केस में नीचे लाइन नहीं मारनी है, सर ऐसा मैं आपके इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आपको ध्यान में बैठे। ये देखो, ये ऐसा करना है आपको, ठीक है, हर एक के बीच में लाइन नहीं मारना है, फाइन। ये यहाँ पे
सो दिस इज योर आंसर एक्चुअली। यहाँ पे भी एक लाइन बीच में जो है वो भी निकाल देता हूँ ताकि आपको भी खूबसूरत लगेगा। और ठीक है, ये हो गया फाइन। तो ऊपर आपका कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट एंड सैलरीज अकाउंट। अभी रेंट को क्लोज करना है। रेंट को क्लोज करने के लिए क्या करेंगे हम, बाय बैलेंस के टू बैलेंस, बाय बैलेंस के टू बैलेंस कैरी डाउन, बाय बैलेंस कैरी डाउन लिखेंगे अपन, बाय बैलेंस कैरी डाउन लिखेंगे 3000, टोटल भी 3000 से लिखेंगे, यहाँ पे टोटल भी 3000 करेंगे और 1/2/18 को करेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, 1/2/18 को करेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और वो 3000 लिखेंगे। क्लियर। सिमिलरली मैं सैलरीज को भी वैसे ही करूंगा, बाय बैलेंस कैरी डाउन करूंगा 10000, बाय सैलरी 10000 क्लोज 10000 से करूंगा और 1/2/18 को करूंगा टू बैलेंस के ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखूंगा मैं। ठीक है, कितना 10000। ओके, सो आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 खत्म। ठीक है, समझा एवरीवन। सो किसका सही गया, किसका सही गया? आई होप सबका सही जाना चाहिए था, बहुत सिंपल था ये। आई होप सबका सही जाना चाहिए था, बहुत सिंपल था ये। ठीक है, नेक्स्ट अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 और उसके नीचे करेंगे क्वेश्चन नंबर। यस, एब्सोल्युटली राइट, गुड, कीप इट अप बेटा एवरीवन। सबका नाम नहीं बोलूंगा बट यस, मैक्सिमम लोगों ने बोल दिया है सर मेरा राइट गया था, अच्छा लगा मुझे सुन के। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। कैन वी राइट रेंट एंड सैलरी अकाउंट फर्स्ट? हाँ चलेगा बेटा, राज कटारिया, ऊपर सीक्वेंस फिक्स नहीं रहता है, आप रेंट पहले लिखो फिर सैलरी लिखो, अकाउंट बनाओ फिर कैश अकाउंट बनाओ, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल मुझे किसी ने ये क्वेश्चन पूछा था, सकते हो आप कभी भी कोई भी सीक्वेंस में कर सकते हो, पहले रेंट अकाउंट बनाओ, पहले सैलरीज बनाओ, पहले कैश बनाओ, पहले रेंट बनाओ, जो भी आपको लगता है आप बना सकते हो। ठीक है, ओके, यस एब्सोल्युटली राइट, यस 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 एब्सोल्युटली फाइन, मार्क्स नहीं कटेंगे आपके। ठीक है, सीक्वेंस कुछ भी होने दो, चलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट सम की ओर, क्वेश्चन नंबर 30। आपको यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 30 करवाता हूँ। अब मैं क्वेश्चन नंबर 29 को उड़ा देता हूँ ताकि आपको है ना ध्यान में आ जाए। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 29 को भी उड़ा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 30 करेंगे, पोस्टिंग ऑफ कंबाइंड एंट्री रिलेटेड टू जीएसटी। इंट्रा जीएसटी में अभी अभी मैंने आपको बताया, इंट्रा जीएसटी में क्या आएगा, एसजीएसटी और सीजीएसटी। तो मेरी एंट्री क्या होगी जरा देखते हैं आपको। आपने गुड्स खरीदी किए 50,000 के, आपने गुड्स खरीदी किए 50,000 के, परचेसेस अकाउंट डेबिट, परचेसेस अकाउंट डेबिट 50,000, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, ब्रैकेट में 2.5% लिख सकते हो आप, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, ब्रैकेट में 2.5% लिख सकते हो आप। ठीक है, कितना हुआ 2.5%? सर 2.5% होता है 1,250, 1,250 अमाउंट पेड बाय चेक, तो टू बैंक अकाउंट आएगा बच्चा लोग, टू बैंक अकाउंट आएगा, टू बैंक अकाउंट आएगा, कितना आएगा जरा देखें तो, सर टू बैंक अकाउंट आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे देखो तो 52,500। क्लियर, ये अपना हो गया, ये हमारी एंट्री थी। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ और मेन आंसर को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे अच्छे से। यस, सो आपको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दिया है। चलो, तो आपने आपको कौन से अकाउंट बनाने पड़ेंगे, चार अकाउंट। पहला है परचेसेस अकाउंट, पहला है परचेसेस अकाउंट, दूसरा बनाना पड़ेगा इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, ब्रैकेट में 2.5%, अगर आपको लिखना है लिख सकते हो, नहीं लिखना नहीं लिख सकते हो, आपके ऊपर है। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट भी बनाना है, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट भी बनाना है, ब्रैकेट में अगेन 2.5%, और बैंक अकाउंट बनाना है छोटा सा, बैंक अकाउंट भी बनाना है छोटा सा। चलो बैंक अकाउंट भी बना लेंगे, बाकी का मैं सब क्लियर कर देता हूँ आपके सामने, सब क्लियर कर देता हूँ, ले लो सब क्लियर कर दिया मैंने आपके सामने भाई। ठीक है, ये भी क्लियर कर दिया, सब कर दिया मैंने क्लियर। ओके, आगे बढ़ते हैं अपन, यहाँ पे मैंने आपको सब क्लियर कर दिया है, ये भी क्लियर कर देता हूँ फाइन। ठीक है, और एक अकाउंट बनाना है और वो है अपने को बैंक अकाउंट बनाना है, मैं कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ, बैंक अकाउंट फाइन। ये हमारे हो जाएंगे चार अकाउंट्स। बीच की अभी लक्ष्मण रेखा को उड़ा रहा हूं मैं, अब बीच की लक्ष्मण रेखा को थोड़ी सी छोटी कर देता हूँ जब तक आपके दिमाग में नहीं बैठती है। लक्ष्मण रेखा जानबूझकर की है आपके लिए, वैसे करने की जरूरत नहीं है, ये आपके लिए करवा रहा था ताकि आपको ध्यान में बैठे। ये बीच की लक्ष्मण रेखा को अभी मैंने काली कर दी, ठीक है, थोड़े सम्स के बाद मैं उड़ाने वाला हूँ इसको, ठीक है, ओके, क्योंकि आपके दिमाग में बैठने के लिए मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है, या फिर आंखों में प्रॉब्लम ना हो, या आप कभी कभी देखने में तकलीफ या कुछ देखने में आपको
लेफ्ट का राइट में ना लिख लो, राइट का लेफ्ट में ना लिख लो, ठीक है। अच्छा सुनो ना, हर एक अकाउंट के ना डेबिट क्रेडिट लिखना जरूरी है। सुनो, यहाँ पे डेबिट क्रेडिट लिखना जरूरी है बच्चा लोग। सुनो मैं आपको बताता हूँ, क्या क्या बताता हूँ, सुनो मैं यहाँ पे एक मिनट दिखा देता हूँ आपको। ऐसा लिखना जरूरी है, प्लीज, लेफ्ट में डेबिट राइट में क्रेडिट लिखना जरूरी है। आप हर एक अकाउंट में लेफ्ट में डेबिट राइट में क्रेडिट लिखना, हर एक अकाउंट में, हर एक अकाउंट में, हर एक अकाउंट में लेफ्ट में डेबिट राइट में क्रेडिट लिखना जरूरी है बच्चा लोग। लेफ्ट में डेबिट राइट में क्रेडिट लिखना जरूरी है। फाइन, ऐसे करो, एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम एक्सट्रीम राइट, डी आर टी थ्री सी आर लिखा तो भी चलेगा, डी आर सी आर लिखा तो भी चलेगा, बट लिखना जरूरी है। ओके, यस एवरीवन, आपको ऐसा लिखना है। फाइन, डेबिट क्रेडिट लिखना जरूरी है। फाइन, यहाँ पे ऐसा लिखना है। फाइन, आगे से मैं भी लिख देता हूँ, पहले वाले सम में मैं भी डाल भूलना रह गया, नहीं तो नॉर्मली बोर्ड पे लिखता हूँ तो याद आ जाता है मेरे को, यहाँ पे याद नहीं आया। ठीक है, ओके फाइन, ओके क्लियर। सो डेबिट क्रेडिट लिखना जरूरी है, हम परफेक्शन करेंगे एकदम, ठीक है, कुछ हम परफेक्शन करेंगे अच्छे से, कोई भी चीज को हम छोड़ेंगे नहीं। फाइन, परचेजेस के डेबिट साइड में लिखेंगे, डेट कुछ दिया गया है यहाँ पे, नहीं दिया गया है तो आप, मैं मन के हिसाब से कोई भी डेट डाल देता हूँ और वो है मेरी 10th में, क्यों, क्योंकि मेरा बर्थडे आता है, आप अपने बर्थडे के डेट पे डाल दो, ठीक है, 2019, 20 नहीं डालूंगा, क्वारंटाइन बर्थडे, बर्थडे थोड़ी रहता है। ओके, टू बैंक अकाउंट, ठीक है, कितना हुआ 50,000। फाइन, वापिस टू बैंक अकाउंट, कितना 1,250, वापिस टू बैंक अकाउंट, वापस टू बैंक अकाउंट 1,250। अब बैंक के क्रेडिट में क्या लिखेंगे, तीन चीजें क्रेडिट में लिखनी पड़ेगी, क्या क्या लिखनी पड़ेगी बताओ मुझे, तीन चीजें क्रेडिट में लिखनी पड़ेगी, बाय परचेसेस, बाय इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, बाय इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, बाय इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, बाय इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, समझा आपको, बाय इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, समझा सबको, एवरीवन, हाउ आई डिड, एवरीवन समझा क्या नहीं समझा, अमाउंट वही डालने की, 50,000, 1,250, 1,250, एवरीवन अंडरस्टूड, प्लीज रेज योर हैंड, अंडरस्टूड एवरीवन, पोस्टिंग समझी आपको, यस, पोस्टिंग समझी आपको, यस, अपने को पोस्टिंग समझी, वेरी गुड बेटा, कीप इट अप, ओके, समझी आपको तो बहुत अच्छा है, फाइन, आई एम हैप्पी अगर आपको पोस्टिंग समझा। अभी आगे क्या करना है, कास्टिंग बैलेंसिंग, क्या करना है, कास्टिंग बैलेंसेस, बोलो परचेसेस को क्या लिखूं, बाय बैलेंस कैरीड डाउन, टू क्या, टू बैलेंस कैरीड डाउन, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, कैरीड डाउन पूछ रहा हूं मैं, बाय बैलेंस कैरीड डाउन क्या, टू बैलेंस कैरीड डाउन, जल्दी बताओ मुझे, एब्सोल्युटली राइट बच्चा लोग, निष्ठा, नेहा, श्रीजीत, विशाखा, रिद्धि, निष्ठा, निष्ठा बेटा आप गलत बोल रहे हो, आर्या, तकाते, आर्या गुरावे, रिद्धि, तन्वी, भूमिका, दिशा, सेजल, खुशबू, सिद्धांत, तन्वी, मानसवी, सबने सही बोला एक्सेप्ट निष्ठा बोरा, निष्ठा बोरा कहाँ ध्यान है बेटा तेरा, 31 मई को करेंगे अपन बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 50,000, फिर ये करने के बाद करेंगे टोटल, और फिर बाद में 1 जून को, 1 जून को मैं डाल दूंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्लियर 50,000। ओके, नेक्स्ट, बैंक को भी यहाँ पे ऐसे ही करेंगे, सॉरी इनपुट सीजीएसटी को भी ऐसे ही करेंगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन लिखेंगे बच्चा लोग 1,250, और ब्रॉट डाउन लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, 1 जून को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कर देंगे अपन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 1,250, इनपुट एसजीएसटी का भी सेम, इनपुट सीजीएसटी का भी सेम करेंगे अपन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओके ये हमारा रेडी। अब फाइनली अब बैंक का बताओ, चलो बैंक का बताओ क्या करूं, बाय बैलेंस कैरी डाउन के टू बैलेंस कैरी डाउन, जल्दी दो मुझे, बैंक का बताओ, बैंक का बताओ, सब जनों ने, श्रेयस, श्रीजीत, आर्या, भूमि, नेहा, वेद, रिद्धेश, सिद्धांत, सेजल, मिताली लोनिया, विशाखा, दिनेश बजाज, समीक्षा, ऋतुज, कौशल, मानसवी, एवरी वन आर राइट, देव आहुजा ऑल्सो राइट, वेरी गुड बेटा, कीप इट अप, कीप इट अप, 31 मई को अपन करेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन करके लिखेंगे यहाँ पे हम 52,500, और यहाँ पे नीचे लिखेंगे 1 जून को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, एब्सोल्युटली राइट, अमेजिंग बच्चा लोग, कीप इट अप एवरीवन, everyone just keep it up, absolutely right, ठीक है, so आपके सामने answer ये रहा वापस, question number 30 का ये,
क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर आपके स्क्रीन पे ये रहा। किसका सही गया, किसका सही गया, किसका पूरी तरह सही गया बताओ। चलो अमेजिंग अमेजिंग बच्चा लोग, कीप इट अप बेटा, आई एम वेरी हैप्पी, थैंक यू उमेश, कीप इट अप बेटा, यू कैन टीच लेजर ऑनलाइन ऑल्सो, कीप इट अप, ओके यस। अकाउंट्स पहला साल एटलीस्ट ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन होना चाहिए था, दूसरे साल ऑनलाइन रहा तो भी चलेगा, बारहवीं में ऑनलाइन रहा चलता है, ग्यारहवीं में अकाउंट्स ऑनलाइन रहना बहुत मुश्किल होता है बच्चा लोग, एबीसीडी होता है बहुत, ठीक है। इट्स लाइक नर्सरी को आप ऑनलाइन सिखा रहे हो पहले, ठीक है, नर्सरी को ऑनलाइन सिखा रहे हो तो मुश्किल हो जाता है बच्चों को, एबीसीडी उनको ऑनलाइन कैसे समझेगा बेटा, ठीक है। तो ये एबीसीडी है, एवरी वन डन यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला सम करेंगे फटाक से आपका जो होमवर्क है, और उसके बाद और एक सम करवाऊंगा आपको, वहां पे अपन क्लोज करेंगे, ठीक है। एक बार देख लो ये आपका नेक्स्ट सम, ओके क्वेश्चन नंबर 31, इसको मैं अभी काट देता हूँ 30 को। यहाँ पे इंटर स्टेट है तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, परचेसेस अकाउंट डेबिट 50,000। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी जल्दी बताओ, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट 5%। इसको हम बांटेंगे नहीं, इसको हम बांटेंगे नहीं, आईजीएसटी को अपन बांटते नहीं है, टू बैंक अकाउंट 52,500। तो यहाँ पे अभी कितने अकाउंट लगेंगे सर, सिर्फ तीन ही अकाउंट लगेंगे, परचेसेस लगेगा, इनपुट आईजीएसटी लगेगा, और इनपुट सीजीएसटी मैं उड़ा दूंगा और रखूंगा सिर्फ बैंक अकाउंट, रखूंगा सिर्फ बैंक अकाउंट, परचेसेस अकाउंट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट बनाऊंगा मैं ब्रैकेट में 5%, और बैंक अकाउंट बनाऊंगा, टू बैंक एज इट इज दिखेगा, टू बैंक 2,500 करना पड़ेगा, और यहाँ पे सिर्फ मुझे चेंज करना पड़ेगा बाय इनपुट आईजीएसटी अकाउंट 2,500, और इसको मैं बाकी की चीजें सेम एज इट इज, हो गया। अरे मेरा सम सच में हो गया, देखो ये एक्सेल का कमाल है ना, हो गया मेरा सम, ये आपके सामने है। किसका सही गया, किसका सही गया एवरीवन, प्लीज लेट मी नो, बहुत सिंपल था ये वाला सम, ठीक है। तो आपको सिर्फ आईजीएसटी करना था और कुछ भी नहीं करना था, होमवर्क था तो मैंने तो भी सफिशियंट टाइम दिया आपको होमवर्क चेक करवाने के लिए। थर्ड अकाउंट ओनली आईजीएसटी, एब्सोल्युटली राइट बेटा, एब्सोल्युटली राइट, यस अमेजिंग, एक बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू एवरीवन, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू एवरीवन, ओके कीप इट अप बेटा। लेट अस गो अहेड विद द नेक्स्ट सम, छोटा सा सम करेंगे अपन, छोटा सा सम करेंगे, बट लेट अस डू दिस, ओके ठीक है, छोटा सा सम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, चलो क्वेश्चन नंबर 32 में क्वेश्चन आपके सामने लेके आऊंगा, 10 मिनट का आपको टाइम दूंगा, सेल्फ करना है आपको, फिर मैं कराऊंगा। मेक सेंस, मेक सेंस एवरीवन, मेक सेंस और डजंट मेक सेंस, डील डील एवरीवन डील, मैं 10 मिनट का टाइम दूंगा आपको, सेल्फ करना है फिर मैं दिखाऊंगा, ओके या फिर मैं यहाँ पे करूंगा आप देखना मत, ठीक है, मैं भी करूंगा ओके, लेकिन आपको देखने का नहीं है, ठीक है, ओके फाइन, लेट अस गो अहेड विद द नेक्स्ट सम। मैं आपको नेक्स्ट सम जो है वो दिखा दूंगा, आप फोटो ले लेना और मैं भी यहाँ पे करूंगा साइमल्टेनियसली, ओके। नेक्स्ट सम आपके सामने ये रहा, आपके सामने ये रहा, रुको एवरीवन, ये आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन जो है लिखने का काम आप भली बाद में कर लो, पहले आप देख लो, समझ लेना पहले इसका, आपको चाहिए तो फोटो निकाल लो, मैं आपके सामने ये क्वेश्चन प्रस्तुत कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। सो ये क्वेश्चन है, फोटो ले लो, स्टार्ट सॉल्विंग द सम, मैं भी सॉल्व कर देता हूं, 10 मिनट का टाइम देता हूं मैं आपको, 10 मिनट के बाद मैं अपना आंसर दिखाऊंगा, आप अपना आंसर चेक कर लेना। जिनको यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है देखने में, मैं फोटो भी भेज रहा हूँ आपको इमीडिएटली ग्रुप में, ठीक है। 10 मिनट्स आई एम गिविंग यू टू सॉल्व दिस सम, ओके, सॉल्व दिस सम, ओके। क्वेश्चन नंबर 31 ही है ना, क्या 32 है, ये 31 है क्या, 32 है एवरीवन, 32 है बच्चा लोग, सॉरी 32 है क्वेश्चन नंबर, 32 है ये, मैंने 31 लिख दिया गलती से, 32 है, ठीक है, ओके चलो सॉलिड सॉलिड यस। इसमें अलग अलग है ट्रांजैक्शंस, मतलब यहाँ पे कौन से अकाउंट बनेंगे बता देता हूँ। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन एंड पोस्ट देम इनटू द लेजर अकाउंट्स एंड बैलेंस द सेम इन द बुक्स ऑफ मिस्टर मेहता। आपको जर्नल भी करना है और आपको लेजर भी बनाना है। मिस्टर मेहता स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, दो अकाउंट बनेंगे, कैश अकाउंट कैपिटल अकाउंट, कैश सेल्स, कैश अकाउंट बनेगा, सेल्स अकाउंट बनेगा, कैश तो ऑलरेडी बना हुआ है, आपको बनाना है सेल्स अकाउंट। गुड्स परचेस्ड फॉर कैश, परचेसेस अकाउंट बनेगा, कैश अकाउंट बनेगा,
कैश ऑलरेडी बना हुआ है मतलब बनाना पड़ेगा परचेसेस अकाउंट, पेड सैलरीज सैलरीज अकाउंट बनेगा, कैश अकाउंट बनेगा, कैश तो ऑलरेडी है बनाएंगे हम सैलरीज 5, परचेज मशीनरी ऑन क्रेडिट फ्रॉम संजय ट्रेडर्स, मशीनरी अकाउंट बनेगा, संजय ट्रेडर्स अकाउंट बनेगा, बन जाएंगे 7, पेड कैश टू संजय ट्रेडर्स, संजय ट्रेडर्स अकाउंट बनेगा, कैश बनेगा, कैश ऑलरेडी है संजय ट्रेडर्स ऑलरेडी है, तो आपके टोटल 7 अकाउंट बनेंगे इस सम में, 7 अकाउंट। आपको पहले जर्नल करना है, जर्नल की एंट्रिया करने के बाद ये 7 अकाउंट को पोस्टिंग करनी है, पोस्टिंग करने के बाद आपको करना है कास्टिंग एंड बैलेंसिंग। सर आपने ये पहले नहीं सिखाया, इतना बड़ा जंबो सम नहीं सिखाया, तो मैं आपको अपना डोका लगाने के लिए बोल रहा हूँ ना मैं, अरे डोका लगाओ तो 10 मिनट, उसके बाद मैं हूं ना, 10 मिनट अपने आप के साथ बिताओ ना यार, बताओ 10 मिनट आपके साथ अपने साथ बिता पाओगे क्या, नहीं बिता पाओगे, अरे बिताओ ना जितना आता है, अगर अंदर से आपका आंसर सही आ गया तो कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, अरे बोलो ना आएगा कि नहीं आएगा, अगर नहीं भी आया तो आप अंदर सांत्वना दे देना, सर ने तो सिखाया नहीं था इतना बड़ा सम, तो मेरे को तो आने के चांसेस नहीं थे, पर थोड़ा सा भी आया तो भी चलेगा ना, क्या नहीं चलेगा, सॉल्व करो, कम ऑन सॉल्व करो, 7 अकाउंट बनाने पड़ेंगे, लेकिन उसके पहले जर्नल एंट्री भी करनी है, जर्नलाइज भी करना है, यस एब्सोल्युटली राइट, आपको पहले जर्नल एंट्रिया करनी है, फिर 7 अकाउंट्स बनाने हैं, 7 अकाउंट्स के बाद हर अकाउंट के लिए 4-4 लाइन छोड़ देना, हर अकाउंट के लिए 4-5 लाइन छोड़ देना, कैश का 4-5 लाइन, ओके 5 लाइन, सेल्स का 2-4 लाइन, परचेसेस का 4 लाइन, सैलरीज का 3-4 लाइन, मशीनरी का 3-4 लाइन, संजय ट्रेडर्स का 4 लाइन, बस कैश का 6 लाइन छोड़ देना, कैश के लिए बस 6 लाइन, क्योंकि दो तीन जगह पे कैश 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 वर्ड है ना इसीलिए, ठीक है, तो 6 लाइन कैश के लिए छोड़ देना, और बाकी के लिए 4-4 लाइन का लेजर अकाउंट बनाना, क्यों, कैरी डाउन भी आएगा, ब्रॉड डाउन भी आएगा ना, इसीलिए 2 लाइन तो वही खा जाता है सर, टोटल तीसरा लाइन खा जाएगा, और एक आधी दो तो इफेक्ट आएंगे ना, 5-5 लाइन का बना लेना, ठीक है, समझा कि नहीं समझा, चलो ट्राई इट ऑफ योर ओन, चलो सेकंड ट्रांजेक्शन, नहीं समझा, सेकंड ट्रांजेक्शन कैश सेल्स, कैश सेल्स मतलब हमने जो सेल किया है वो कैश में किया है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ओके चलो करो, 10 मिनट का समय दे रहा हूं, मैं अभी स्क्रीन बंद कर रहा हूं, ठीक है, मैं स्क्रीन बंद कर रहा हूं, फोटो भेजा है ग्रुप में, डेट दी गई है इस सब में, डेट दी गई है, जरा ध्यान से करो, ठीक है, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मेहता, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर मेहता, आपको जर्नल में नरेशन नहीं लिखना है मत लिखो, बस चलेगा, इसके लिए सिर्फ छोड़ रहा हूँ, सिर्फ इस सम के लिए छोड़ रहा हूँ, अगली बार से ऐसा नहीं, ठीक है, भले जर्नल एंट्री में नरेशन नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, बस ठीक है, आपका उतना ही टाइम बच जाएगा, कॉन्फिडेंटली करो, गलत हुआ तो हुआ, चलेगा, मैं हूं ना यहाँ पे लेक्चर के दौरान, ट्यूशन में गलत हो चलेगा, पहला ही सम कर रहे हैं ना जंबो वाला, तो ठीक है, करो जितना हो सके,
मेरे जर्नल एंट्रीज हो गए टाइप करके, टाइप करके। तुम तो हाथ से लिखते हो यार, मेरे से फास्ट होना चाहिए तुमको। हेलो
शुड आई गो अहेड, मैं जाऊं आगे, क्या आप अभी भी कर रहे हैं, जर्नल किया है कि नहीं किया एटलीस्ट, शुड आई गो अहेड, और शुड आई वेट, या मूड नहीं है, कल करेंगे, वेट, जर्नल डन, ठीक है। बाहर इतनी जोर से बारिश हो रही है ना, मूड इच नहीं हो रहा है, लेजर गोइंग ऑन, वेरी गुड, कीप इट अप बेटा, कीप इट अप, वेटिंग फॉर यू, 5 मिनट वेट करता हूँ, टेंशन मत लो, लेकिन आज ये सम करके छोड़ेंगे अपन, ठीक है, करके ही करेंगे, यस, 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, और हाफ लेजर डन, वेरी गुड, कीप इट अप, कीप इट अप, आई एम वेटिंग, गुड बेटा, कीप इट अप, आई एम वेटिंग, टेंशन मत लो, आपके आपके खुद के एफर्ट्स को के लिए मैं टाइम दे रहा हूँ, टेंशन मत लो, आई एम गिविंग यू टाइम, नो प्रॉब्लम, 5 मिनट लेट तो लेट थोड़ा आज लेक्चर, लेकिन आपके दिमाग में बैठ गया तो अच्छा ही है, कॉन्फिडेंस आपका बहुत बढ़ जाएगा। आपको अगर कैश के रिलेटेड 4-5 ट्रांजैक्शन में एंट्री आ रही है तो आप कैश 4 बार बनाओगे नहीं, एक ही बार बनाएंगे और वहां पे पोस्ट करेंगे, समझा क्या? ओके, कैश अकाउंट 2-3 बार आया है ना, तो आप 2-4 बार कैश अकाउंट नहीं बनाओगे, एक ही बार बनाओगे, लेकिन उसमें सारे एंट्रीज करोगे। ओके, संजय ट्रेडर्स के बारे में अगर 2 बार एंट्री आए ना, तो 2 बार संजय ट्रेडर्स नहीं बनाओगे, एक ही बार बनाओगे, जहां डेबिट बोला है तो डेबिट में डालोगे, जहां क्रेडिट में लिखा है तो क्रेडिट में डालोगे, फाइन। ओके, आई नो बहुत होशियार हो तुम बच्चे, ठीक है, बट मेरे पास क्या, मेरे जैसे आईक्यू वाले लोग भी है ना, जो थोड़े कम समझते जल्दी, मैं ऐसी सर था, मैं बहुत लो आईक्यू वाला स्टूडेंट था, ठीक है। ओके, हर रोज केमिकल लोचा रहता था दिमाग में। ओके, वो क्या, मैंने वो एबेकस के क्लासेस नहीं किए ना वेद के जैसे, तो मेरा कॉन्फिडेंस कभी बढ़ा ही नहीं। ओके, और ऊपर से वेद लाइन मारने में भी होशियार है, अब मैं करूं भी के क्या करूं यार, मेरे को तो वो भी नहीं आता है लाइन मारने को। ओके, लेकिन लाइन मारने में तो तू माहिर है ना यार वेद, ठीक है, एबेकस के क्लासेस नहीं किए, लाइन मारने में तो वो खेला नहीं ना तूने मोतियों के साथ, ठीक है। ओके, रौनक नंदा हो गया क्या तेरा, ए रौनक, आई एम वेटिंग, जल्दी हो गया कि नहीं, कहां तक पहुंचा है ए रौनक, गेला शख्स क्या है रौनक, कहां तक पहुंचा तू, जल्दी करो, अंजलि डन, भूमि, आर्य तकाते, अलीना, देवाउजा, सचदेव, दिनेश बजाज, कशिश, कौशल, पार्थ, ऋतु, श्रेजल, तन्वी, सिद्धि, जल्दी स्टेटस बताओ आपका, विशाखा स्टेटस बताओ, श्रेय सुंदरे, सेजल, साइली ताक, साक्षी राणे, रुतुज, बलदोटा, ललवानी, चलो अपना स्टेटस बताओ, कहां तक पहुंचे रहे तुम, जर्नल हुआ कि नहीं हुआ, हाफ जर्नल, हाफ जर्नल, माय गॉड, रिद्धेश इतना स्लो, हाफ जर्नल, लोग हाफ लेजर तक पहुंचे, मेरी जान, ए मेरी जान रिद्धु, हाँ रिद्धु, हाफ लेजर, नहीं नहीं ओके ठीक है, मैं डर गया ना बाबा, लेजर होने को आ गया, ओके वेरी गुड, हाफ लेजर, ओके ठीक है, नहीं तो हाफ मर्डर लिखते रहे बाबा तुम, ऑल कंप्लीटेड, क्या बात है साहिल, यू इम्प्रेस मी अ लॉट यार, अमेजिंग अमेजिंग साहिल, कीप इट अप बेटा, हाँ यस, 3 रिमेनिंग लेजर, ओके नो प्रॉब्लम मानसवी, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम एवरीवन, कंप्लीटेड, क्या बात है श्रीजीत, वेरी गुड बेटा, जरा वो कंसोलिडेशन भी कर लेना श्रीजीत, कंसोलिडेशन भी कर लेना, कंसोलिडेशन मोर देन हाफ लेजर, ओके ठीक है, कंसोलिडेशन भी कर ले, देख डेबिट बैलेंस इज इक्वल टू क्रेडिट बैलेंस आया क्या, अगर वो आया ना मतलब तेरा सम एकदम पक्का परफेक्टली राइट है, हाँ कंसोलिडेशन कर लेना, वो जो समरी नहीं बनाते क्या, सारे डेबिट बैलेंस एक जगह पे, सारे क्रेडिट बैलेंस एक जगह पे, और उसकी टोटल करके देखना, हाँ देख देख देख, एक स्टेप आगे का बोल रहा हूं मैं करने के लिए, बिकॉज यू हैव बीन ऑन टाइम, जो का जिसका हो गया है और मैं अभी भी वेट कर रहा हूँ, वो लोग समरी करो, और समरी में अगर आपका डेबिट बैलेंस इज इक्वल टू क्रेडिट बैलेंस आया ना, तो उछल के जंप मार लेना,
हाँ ओके जंप मारना कि यस सर अपना वो भी आया। यस तन्वी गो अहेड, जो मैंने अभी अभी बताया समरी करके देखो, करके देखो अच्छा लगता है, ठीक है बहुत अच्छा लगेगा अगर वो करके देखते हो तो। आप एक स्टेप आगे का, पेपर में करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूं एक स्टेप आगे का, ठीक है, ताकि आप अंदर से और कॉन्फिडेंस आपके इसमें कूट कूट के और भर जाए, ठीक है। डन डना डन एवरी वन, शुड आई गो अहेड, चलो आई एम गोइंग अहेड, मैं 20 तक गिनूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। चलो 20 ओके, चलो आ जाता हूं मैं आपके सामने, गो लेट अस गो अहेड। तो आपको मैंने जो सम दिए थे, सम के सामने जर्नल एंट्री क्या होती है मैंने यहाँ पे टाइप करके डाल दिया है, और मैंने सारे अकाउंट बना के रखे हैं मेरे सामने। पहली की जर्नल एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, दूसरा कैश टू सेल्स, तीसरा परचेसेस टू कैश, तीसरा सैलरीज टू कैश, मशीनरी टू संजय ट्रेडर्स एंड संजय ट्रेडर्स टू कैश। किसका जर्नल एंट्री में प्रॉब्लम है पहले वो बताओ, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी किसका कुछ जर्नल एंट्री में प्रॉब्लम है क्या। अगर न है प्रॉब्लम तो मुझे प्लीज चैट में डालो कि सर जर्नल एंट्री किसको भी जर्नल एंट्री में अगर प्रॉब्लम है तो पहले बता दो, सर मुझे ये जर्नल एंट्री नहीं समझी तो मुझे प्लीज चैट में डालो। अगर आपको जर्नल एंट्री में प्रॉब्लम है तो बता दो मुझे, जर्नल एंट्री में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो बता दो मुझे प्लीज। पहले जर्नल एंट्रियां चेक करो, पहले अपनी जर्नल एंट्रियां चेक करो और मुझे बता दो, सर प्लीज एक्सप्लेन मी ट्रांजेक्शन नंबर डेटेड 9, ट्रांजेक्शन डेटेड 20, ट्रांजेक्शन नंबर डेटेड 6। कोई भी जर्नल एंट्री में अगर प्रॉब्लम रहेगी तो बता दो पहले प्लीज। आई एम वेटिंग 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। किसी ने भी कोई प्रॉब्लम नहीं दी तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू गिव यू अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज कि सभी का जर्नल एंट्री सही है। काय को ग्राउंड ऑफ अप्लॉज, इतने छुटकू एंट्रियां थी रे बाबा, इतने छुटकू एंट्रियां तो आनी चाहिए ना तुमको, इतने छुटकू एंट्रियां नहीं आएगी तो मतलब क्या होगा, ठीक है। अब पोस्टिंग करने का, कैश अकाउंट के हम डेबिट साइड में लिखेंगे, फटाक से मैं यहाँ पे कर देता हूँ पहले एंट्री की पोस्टिंग। कैश अकाउंट के डेबिट साइड में टू कैपिटल, कैश अकाउंट के डेबिट में टू कैपिटल लिखूंगा मैं 8,000, और कैपिटल के क्रेडिट साइड में लिखूंगा मैं, कैपिटल के क्रेडिट साइड में लिखूंगा मैं बाय कैश। ये हो गया पहली एंट्री का इफेक्ट। दूसरा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, 5 तारीख को मैं लिखूंगा टू सेल्स, 5 अकाउंट को लिख दूंगा टू सेल्स, कितना है 3,000। और सेल्स के क्रेडिट साइड में लिखूंगा मैं 5 तारीख को ही लिखूंगा बाय कैश। यहां तक ओके सबको, यहां तक ओके प्लीज रेज योर हैंड, कुछ रही नहीं तो बता दो मुझे प्लीज रेज योर हैंड। डन। परचेसेस के मैं डेबिट में लिखूंगा, परचेसेस के डेबिट में लिखूंगा 5 4 नहीं 2 4 था, सॉरी 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 2 4 था ऊपर डेट, सॉरी 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 2 4 और 2 4, 5 4 को मैंने खरीदी किया। परचेसेस अकाउंट डेबिट टू, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, बरोबर, तो टू कैश लिख दिया मैंने। परचेसेस के डेबिट साइड में 2,000 रुपए, और कैश के मैं क्रेडिट साइड में लिखूंगा 5 4 17 को बाय परचेसेस। यहां तक ओके एवरीवन, यहां तक ओके, मैं वेट कर रहा हूँ। बाय चांस किसी का अगर गड़बड़ हो गया रहेगा तो वो ठीक कर लेंगे अपने पास, अगर किसी का गड़बड़ हो गया रहेगा तो वो ठीक कर लेंगे अपने पास। मैं वेट कर रहा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ। मैंने पहले 3 एंट्रियों की पोस्टिंग की है, मैंने पहले 3 एंट्रियों की पोस्टिंग की है। आई एम वेटिंग, रीत बेटा थैंक यू सो मच, आई नो मेरी गलती से 2 4 हो गई थी अभी, ठीक है चेक कर लो, ठीक कर लो अगर आपका गलत गया है तो। आई एम वेटिंग। अब मैं पहले 3 एंट्रियां उड़ा दे रहा हूं, ऊपर से पहले 3 एंट्रियां उड़ा दे रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे अकाउंट जो है थोड़े ऊपर लेने हैं इसके लिए, मेरे को थोड़ा अकाउंट ऊपर लेने हैं इसके लिए। ओके अरे यार मर्ज करने में प्रॉब्लम हो गया रे, ठीक है ओके।
ओके नेक्स्ट, सैलरीज के डेबिट में लिखेंगे 6-4 को, सैलरीज के डेबिट में लिखेंगे 6-4 को 2 कैश 500 रुपए, और कैश के क्रेडिट साइड में लिखेंगे 6-4 को, कैश के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय सैलरीज अकाउंट कितना 500 रुपए। नेक्स्ट मशीनरी के डेबिट में लिखेंगे अपन 9-4 को टू संजय ट्रेडर्स ओके कितना 17,000। संजय ट्रेडर्स के क्रेडिट साइड में लिखेंगे अपन, संजय ट्रेडर्स के क्रेडिट साइड में लिखेंगे अपन 9-4 को बाय मशीनरी ठीक है। यहां तक सबका ओके, आगे बढ़ूं, संजय ट्रेडर्स को 5,000 पे किया, संजय ट्रेडर्स को सिर्फ 5,000, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट नहीं किया, नहीं तो आप डिस्काउंट की एंट्री कर लोगे मूर्ख इंसान, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट नहीं बोला है बच्चा लोग, 12,000 का डिस्काउंट नहीं मिलेगा, पहले ही बोल देता हूं मैं, वर्ड फुल सेटलमेंट अगर रहा तब जाके ना डिस्काउंट कहलाया जाता है, नहीं तो 17,000 की मशीनरी 5,000 में और 12,000 का डिस्काउंट, अरे चूना लगाने वालों के तुम कुछ भी, हाँ एक निष्ठा बोरा की स्कीम चालू है क्या, 50 रुपए रिक्शा कहीं पे भी जाओ, अरे कुछ भी। 20 तारीख को टू कैश कितना 5,000, क्लियर। कैश के क्रेडिट साइड में लिखेंगे अपन बाय संजय ट्रेडर्स। बोलो सबकी पोस्टिंग, किसकी पोस्टिंग बिल्कुल सही गई है, किसकी पोस्टिंग बिल्कुल सही गई है, बताओ पोस्टिंग सबकी सही गई कि नहीं गई है, बताओ मुझे, क्या बात है, चैट में जवाब दो सर, मेरी पोस्टिंग एकदम परफेक्टली सही गई है, परफेक्टली सही गई है माय, अरे मेरी जान में खुश हो गया यार तुमसे देख के यार, थैंक यू सो मच, ये देखो ये मेरा हार्ट मेरी तरफ से, काश मेरे पास यहाँ पे हार्ट का इमोजी रहता था तो मैं आपको बहुत सारे इमोजी भेज सकूंगा, ठीक है ओके। बोलेंगे अपन जूम वाले को, बोलेंगे मैं हार्ट की इमोजी सबको भेज देता हूँ, हाँ भेज देता हूँ, देखो एवरीवन हार्ट की इमोजी, ये लो मेरे को आती, ये देखो आ गई सबको, आ गई मेरी तरफ से, अरे हाँ या नहीं आ गई सबको, यस ओके मेरी तरफ से, फाइन नो प्रॉब्लम, एक छोटा सा रॉन्ग गया नो प्रॉब्लम बेटा, ठीक है आधा हार्ट ले लेना बस, ठीक है पूरा मत लेना ओके। तुम्हारे नर्सरी के जैसे बच्चों को मैं से स्टार नहीं बोल सकता ना, आओ मैं तुम्हारे हाथ में स्टार लिख देता हूँ ओके, तो स्टार वैसे भेजने के तुमको स्टार के रेडियम वेडियम भेजने के तुम्हारे घर पे बोलो ओके, स्टार भेज देता हूँ तुम्हारे नर्सरी के बच्चों के जैसे ओके, परफेक्टली डन, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अब हम करेंगे कास्टिंग एंड बैलेंसिंग, हाँ बच्चा लोग थैंक यू, एक रॉन्ग गया नो प्रॉब्लम, कहा रॉन्ग जाना नहीं चाहिए था, कुछ आपका गड़बड़ हो गया रहेगा, जर्नल एंट्री अगर सही है तो आपने गलती से डेबिट का क्रेडिट में लिख दिया होगा या क्रेडिट का डेबिट लिख दिया होगा बरोबर, या कभी कभी आप क्या करते हो मालूम है क्या, कैश अकाउंट में ही लिखोगे टू कैश अकाउंट बाय कैश अकाउंट, अरे खुद के ही अकाउंट में खुद का नाम लिखने का क्या मतलब रे बाबा, सैलरीज के अकाउंट में टू सैलरीज लिखोगे या बाय सैलरीज लिखोगे, खुद के ही अकाउंट में खुद का नाम नहीं डालते हैं, अभी समझा, अभी कभी भी दिमाग में केमिकल लोचा आएगा क्या, उसके ही अकाउंट में उसका नाम नहीं लिखने का कभी भी, उसके ही अकाउंट में उसका नाम नहीं लिखने का, किसी और का नाम लिखने का, समझा गया एवरीवन, अब कभी भी वो गलती होगी क्या, मुझे मालूम है आपसे वही गलती हुई है ना, बताओ सच्ची बताओ, जिनका गलत गया है आपने उसी अकाउंट में उसी का ही नाम लिख दिया होगा टू और बाय में, अरे बोलो ना मेरी जान, मेरे को मालूम है तुम ऐसे ही चलोगे, अरे टीचर भी तो एक स्टूडेंट था ना कभी, ठीक है होता है ये गलतियां, नो प्रॉब्लम। चलो अभी क्लोज करेंगे, कैश का डेबिट साइड हैवी लग रहा है, कैश का अपन टोटल करेंगे डेबिट साइड हैवी लग रहा है 11,000, डेबिट साइड हैवी लग रहा है 11,000, क्रेडिट में तो सिर्फ 7,500 है, मेरे पास 11,000 थे 7,500 चले गए, कितने बचे 3,500 बचे, 30-4 को मैं लिखूंगा बाय बैलेंस कैरीड डाउन 3,500, कड़ला का नहीं प्लीज रेज योर हैंड, कड़ला एवरीवन 11,000 बरोबर, अरे बोलो ना आया नहीं बरोबर ना 11,000, यस सर 11,000 हो गया, ये हो गया हमारा कैरी डाउन, तो बताओ ब्रॉड डाउन कैसे करेंगे, मेरा फेवरेट महीना मई के महीने के पहली तारीख को अपन लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। कल वेद ने पूछा था सर कितना लिखते हैं, तो जितना कैरी डाउन आता है उतना लिखते हैं बच्चा लोग, 11,000 नहीं लिखेंगे अपन, ठीक है वैसे ही कैपिटल में अपन करेंगे 30 तारीख को टू बैलेंस कैरी डाउन क्यों, बहुत सिंपल है सर, सब क्रेडिट ही हैवी है बाकी डेबिट में तो कुछ है ही नहीं, 8,000 करके यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 8,000 रुपए, क्लियर। सिमिलरली सेल्स को भी वैसे ही क्लोज करेंगे 30 तारीख को लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन
3000 रुपए और बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3000 रुपए। क्लियर यहाँ तक? अभी तक सबका सही? अभी तक सबका सही क्या नहीं सही? अरे बोलो ना, सही क्या नहीं सही? 1 मई 17 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, 1 मई 17 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सिमिलरली अपन 30/4 को करेंगे परचेसेस को भी क्लोज, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 2000 एंड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2000, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2000। क्लियर यहां तक? तो मैं आगे बढ़ू, पहले 4 अकाउंट मैंने क्लोज किए, सैलरीज भी उसी तरीके से क्लोज करने का। बाय बैलेंस कैरिड डाउन दिखाऊंगा मैं 500 रुपए, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 500 रुपए, 1/5 को मैं करूंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 500 रुपए। सिमिलरली मशीनरी को भी लिखूंगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन 17000 रुपए एंड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखूंगा 17000 रुपए। सिमिलरली संजय ट्रेडर्स को क्या करेंगे बताओ, संजय ट्रेडर्स का कौन सा साइड हैवी दिख रहा है, क्रेडिट का डेबिट कौन सा साइड हैवी दिख रहा है बताओ मुझे? सर क्रेडिट साइड हैवी दिख रहा है, तो बताओ क्या लिखेंगे अपन, टू बैलेंस कैरिड डाउन क्या बाय बैलेंस कैरिड डाउन? जल्दी बता दो मुझे, टू बैलेंस कैरिड डाउन लिखेंगे क्या बाय बैलेंस कैरिड डाउन लिखेंगे? एब्सोल्युटली राइट, टू बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन लिखेंगे अपन, टू बैलेंस कैरिड डाउन आ जाता है 12000 और इसको क्लोज करेंगे अपन 1 मई 2017 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 12000। बताओ अब बताओ किसका पूरा सही, अब बताओ किसका पूरा सही, चैट में डालो, मैं चैट में डालो, अब बताओ किसका पूरा सही। क्या बात है, तन्वी जवर, मानसवी पटेल, दो लोग, निष्ठा बोरा, वेद, वेरी गुड। आगे श्रीजीत सिक्की, विशाखा गुगड़े, रिशिता बलदोटा, रिद्धि गांधी, समीक्षा मंत्री, भूमिका, मिताली लुनिया, अनुज, भूमि गांधी, गौतम, रिद्धि गुगड़े, दिनेश बजाज, रीत। ओके इतने ही लोगों का हुआ, ठीक है चलो ओके, सेटिस्फाइड नहीं हूँ, थोड़ा चुका, ठीक है ऋतुज ओके नेक्स्ट टाइम नहीं बेटा, पार्थ लहोटी ठीक है, कृतिका ठीक है ओके नो प्रॉब्लम चलेगा, थोड़ा सा अगर गलत हुआ रहेगा तो चलेगा, लेकिन ऐसा ऐसा तो नहीं है ना बिल्कुल नहीं समझ रहा है बच्चा लोग, ऐसा तो नहीं है ना बिल्कुल नहीं समझ रहा है लेजर, प्लीज टेल मी समझ में आ रहा है ना आपको? अरे एवरीवन बताओ ना समझ में आ रहा है ना, जो गलतियां हुई है वो कुछ नजरअंदाज के वजह से हुई है ना? यस, तो मैं आपके सामने यहाँ पे क्विक बहुत क्विक है ना कंसोलिडेशन करूंगा, सॉरी बेटा मैं एक्सटेंड कर दिया है, विच इज वेरी अनप्रोफेशनल, आई नो इतना अनप्रोफेशनल नहीं होता हूं मैं एक्सटेंड करना, बट सॉरी मेरे को बस एक क्विकली है ना कंसोलिडेशन करने दो, क्यों जस्ट आपके लिए प्लीज कंसोलिडेशन करने दो, मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, कैश अकाउंट ओके सबके कंसोलिडेशन करूंगा जल्दी में, कैपिटल अकाउंट, नेक्स्ट सेल्स अकाउंट ओके, नेक्स्ट सभी के नाम डाल रहा हूँ, परचेसेस अकाउंट फर्स्ट डाल देता हूँ मैं जल्दी 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 जल्दी, 7 नाम लिखने हैं बस, कंसोलिडेशन कर रहा हूँ, क्यों समरी कर रहा हूँ ताकि पता चले लुका डे पेयर को पैसे सही है क्या गलत है, लुका डे पेयर को पैसे सही है क्या गलत है जरा देखते हैं अपन। परचेसेस के बाद सैलरीज अकाउंट, सैलरीज अकाउंट एक बार मुझे देखने दो, कंसोलिडेशन करने दो, मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट और फिर आपका संजय ट्रेडर्स अकाउंट, जरा देखते हैं क्या हमारा लुका डे पेयर को पैसे सही गया क्या नहीं गया। अब बच्चा लोग आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, क्या दिमाग लगाना है मालूम है क्या, जहां ब्रॉट डाउन लिखा है ना वो आपका साइड हो गया रेडी, जहां ब्रॉट डाउन लिखा है, जहां ब्रॉट डाउन कैरिड डाउन नहीं, जहां ब्रॉट डाउन लिखा है वो आपका बैलेंस। बताओ कैश में ब्रॉट डाउन कहां लिखा है, डेबिट में क्या क्रेडिट में? बताओ कैश में ब्रॉट डाउन कहां लिखा है, डेबिट में क्या क्रेडिट में? जल्दी बोलो, कैश में आपने ब्रॉट डाउन कहां लिखा है, डेबिट में, तो इसका ये मतलब है कैश हैज अ डेबिट बैलेंस, इसका ये मतलब है कैश हैज अ डेबिट बैलेंस, समझा क्या नहीं समझा रेज योर हैंड्स। तो अपन कैश में बैलेंस लिखेंगे 3500, समझा आपको प्लीज रेज योर हैंड, समझा आपको। कैपिटल में हमने ब्रॉट डाउन कहां लिखा है, कैपिटल में हमने ब्रॉट डाउन कहां लिखा है, डेबिट में क्या क्रेडिट में? कैपिटल में हमने ब्रॉट डाउन कहां लिखा है, क्रेडिट में, तो अपन वो क्रेडिट में लिखेंगे 8000 रुपए, समझा क्या नहीं समझा। सेल्स में आपने ब्रॉट डाउन कहां लिखा है, सेल्स में आपने ब्रॉट डाउन कहां लिखा है, क्रेडिट में, तो क्रेडिट में 3000 लिख लो। आपने परचेसेस को ब्रॉट डाउन कहां लिखा है, सर डेबिट में लिखा है, तो 2000 वहां पे डाल दो। सैलरीज को आपने ब्रॉट डाउन कहां लिखा है, डेबिट में, तो 500 डाल दो। मशीनरी को आपने ब्रॉट डाउन कहां लिखा है, डेबिट में डाल दो। संजय ट्रेडर्स को ब्रॉट डाउन कहां लिखा है, क्रेडिट में 12000 डाल दो। अब हम देखेंगे मैजिक, डेबिट की टोटल करेंगे और क्रेडिट की टोटल करेंगे, हुआ क्या नहीं बच्चा लोग, हुआ क्या नहीं, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट 23000। प्लीज बताओ मुझे एवरीवन अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड दी कंसोलिडेशन समरी, समरी समझा क्या आपको,
समरी समझा के आपको, ऊपर दिख रहा है आपको समरी, यस और नो? ये है आपका असली लेजर अकाउंट का रियल मीनिंग, लेजर अकाउंट का रियल मीनिंग सबको समझ में आ रहा है? बार बार ये चीज मैं आपको अंत तक समझा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में फिट बैठ जाए। क्यों हमने ये पेपर में करने की जरूरत नहीं है, ये मैं बस आपको रियल मीनिंग क्या होता है लेजर का वो समझा रहा हूं मैं। वेयर इन द फाइनली द टोटल ऑफ ऑल लेजर अकाउंट का जब बैलेंसेस हम डालते हैं एक जगह पे, वहां पे टोटल ऑफ डेबिट बैलेंस विल ऑलवेज बी इक्वल टू द टोटल ऑफ क्रेडिट बैलेंस, हेंस प्रूव्ड डबल एंट्री सिस्टम। ओके एवरीवन, कड़लो एवरीवन, मजा आया ये वाले सब में मजा आया? यस और नो? अरे हाँ या नहीं तो बोलो ना यार। सेल्फ किया तो और मजा आया आपको, आपने सेल्फ किया तो और मजा आया। थैंक यू सो मच एवरीवन। हियर फाइनली आपको फोटो लेना है ले सकते हो, आपको फोटो लेना है ले सकते हो, मैं क्योंकि अभी बंद कर रहा हूँ स्क्रीन, आपको फोटो लेना है ले सकते हो। आपका क्या गड़बड़ है जरा देख लो, कहाँ इश्यू है देख लो, एंड मैं इसको बंद कर रहा हूँ अभी, ठीक है? बाकी के अभी बच्चा लोग कल 6:30 बजे आपको मिलना है, ठीक है? ओके एवरीवन, आनंद धाम आपको पहुंचना है, ठीक है? ओके, बाकी किसी को डाउट रहेगी बातें करनी होगी मेरे साथ, ठीक है? बहुत मजा आया, थैंक यू सो मच। चलो बाकी का कुछ भी आपको ट्रिप के रिलेटेड है तो आप मुझे है ना व्हाट्सएप कर लीजिए, ठीक है? श्रीजी तो आ रहा है कि दुकान पे, श्रीजी तो आ रहा है कि पक्का? नहीं, चला गया। चल बाय 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 एवरीवन, सी यू, बाय 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 बाय।